हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आपके साथ शेयर करने वाली यदि आपका जो लैपटॉप कभी भी स्क्रीन टूट जाता है तो ऐसे कंडीशन में कैसे आप उसका यूज कर सकते हैं बगैर स्क्रीन को रिप्लेस किए हुए, आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले आपको दिखा दे, बिल्कुल टूटा हुआ है, यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है और इसमें कभी कभी जो है बिल्कुल भी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। अभी तो ये थोड़ा सा फ्रेश भी दिखाई नज़र आ रहा है और कभी कभी क्या होता है कि पूरी तरीके से ये जो है इसमें झिलझिलाट रहता है। तो इसको हम यहाँ पे देखिए एक अलग से मॉनिटर लगाए हुए, तो और इस मॉनिटर में हम कैसे इसको कनेक्शन किए हुए, तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ टेक्निकल जानकारी का ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पे जो है अपने मॉनिटर में पावर केबल लगा देना और यहाँ पे जो वीजीए केबल है इसको लगा देना। वीजीए केबल लगाने के बाद यहाँ पे जो आपके लैपटॉप में जो वीजीए का यहाँ पे सॉकेट दिया हुआ है, इसमें आपको जो इस वायर को अटैच कर देना। तो हमारे केस में मेरा लैपटॉप जो टूटा हुआ है इस कारण से हम यहाँ पे लगाए हुए। यदि आपके लैपटॉप का जो भी स्क्रीन है वो यहाँ पे मॉनिटर में दिखाई दे रहा है तो ठीक है, अदरवाइज आपको क्या काम करना है, F1 के साथ में यहाँ पे जो F5 बटन दिखाई दे रहा है इसको आप एक दो बार प्रेस कीजिएगा तो आपका जो भी लैपटॉप का स्क्रीन है वो आपको यहाँ पे मॉनिटर में दिख जाएगा। तो हमारे केस में हमारे लैपटॉप का डिस्प्ले जो वो ख़राब है। यदि आपके केस में आपका लैपटॉप सही है और फिर भी आप किसी बड़े मॉनिटर में इसको यूज करना चाहते हो, काम करना चाहते हो, तो वैसे कंडीशन में भी आप जो यहाँ पे वीजीए केबल को लगा करके और जब अपने मॉनिटर में लगा दीजिएगा तो जो भी आप लैपटॉप में काम कीजिएगा वो सारा का सारा आपको यहाँ पे जो है मॉनिटर में दिख जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है अपने लैपटॉप का यूज कर सकते हैं। अगर आपके लैपटॉप का स्क्रीन वगैरह टूट गया तो कभी भी आप इसका यूज कर सकते हैं। आप दोस्तों वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि और भी नया नया अपडेट आपको मिलता रहे।